भाजपा शिवसेना शिंदे गुट गठबंधन सरकार में 60-40 के सूत्र के बावजूद गढ़चिरौली जिला योजना समिति में शिवसेना के किसी भी नेता को मौका नहीं दिया गया। हाल ही में इस संबंध में सूची प्रकाशित हुई है और शिवसेना इसका विरोध कर रही है क्योंकि इसमें भाजपा के 11 नेताओं का जिक्र किया गया है। राज्य में भाजपा शिवसेना शिंदे समूह गठबंधन सरकार बनने के बाद से कई नेता निजी तौर पर शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि शिवसेना नेताओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। राज्य या जिला स्तर पर विभिन्न समितियों में भाजपा नेताओं का वर्चस्व है। शिवसेना नेताओं के नाम मांगे जाते हैं लेकिन सही समय पर हटा दिए जाते हैं। गढ़चिरौली जिला योजना समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों के लिए भाजपा शिवसेना नेताओं के नाम भी 60-40 सूत्र के रूप में भेजे गए थे। हालांकि घोषित सूची में सिर्फ भाजपा नेताओं के नाम है, इसमें शिवसेना के एक भी नेता को जगह नहीं दी गई। इस घटना से जिले के शिवसेना नेता आहत है और उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने गठबंधन का पालन नहीं किया है। हमने 60-40 सूत्र के अनुसार जिला योजना समिति के नाम भी भेजे लेकिन अंतिम सूची में शिवसेना के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। सभी 11 सीटें भाजपा नेताओं द्वारा भरी गई थी। शिवसेना नेता हेमंत जम्बेवार ने कहा कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष किसान नागदेव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाबूराव कोहले, शहरी सहकारी बैंक के अध्यक्ष व वरिष्ठ सहकारी नेता प्रकाश सावरकर पोरेड्डीवार, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रविंद्र उल्लालवार, जिला महासचिव प्रशांत वागरे, भाजपा नेता गोविंद सारडा, पूर्व पार्षद प्रमोद पिपरे, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष योगिता भांडेकर, कलाम पीर मोहम्मद, सदानंद कुठे, सुनील बिस्वास, इनकी नियुक्ति की गई है। बीजेपी की ओर से डीपीडीसी में शामिल करने के लिए 11 लोगों के नाम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे गए हैं। शिवसेना शिंदे गुट की ओर से भेजे गए 4 नाम भी इस लिस्ट में शामिल होंगे। कुल डीपीडीसी में 15 लोगों के नाम शामिल होंगे। परवाला जिला नियोजन समिति की घोषणा झाली, त्यामध्ये 11 पैकी 11 ही भाजपचे घेतले, एकही शिवसेनेला दिला नाही। जर युतीचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये आहे तर मग आम्हाला 60-40 जो फॉर्म्युला आहे, जिथे पालकमंत्री भाजपचे तिथे 60%, जिथे शिवसेनेचे तिथे 60% आणि बाकीच्यांना 40% हा फॉर्म्युला ठरलेला आहे, त्याप्रमाणे द्यायला पाहिजे होता पण एकही दिला नाही, त्यामुळे आम्ही या घटनेचा निषेध करतो। या संदर्भात तुम्ही मुख्यमंत्र्याला किंवा पक्षाला माहिती दिली आहे की काय बोलले? या संदर्भात आम्ही आमचे वरिष्ठ नेते किरणभाऊ पांडव आणि शिवालय मुंबईच्या कार्यालयाला आम्ही हे सांगितलं आहे आणि त्यांना ही माहिती दिली आहे आणि त्यामुळे आम्ही या घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि जर यापुढेही असं जर होत राहिलं तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू, मग युती धर्म आम्ही। NBCN न्यूज के लिए गढ़चिरौली से गणेश सिंह की रिपोर्ट।